अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से बेबी के प्यारे प्यारे ईद कलेक्शन के हवाले से ड्रेसेस डिज़ाइन। प्लीज़ आपसे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपकी उम्मीद जो है उसके मुताबिक ही मैं पूरा उतरने की कोशिश भी करूँगी कि आपको किस तरह के चैनल चाहिए देखने के लिए, जिसमें आपको सीखने को बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस देखने को और कटिंग स्टिचिंग भी साथ साथ मिल सके। आज की डिज़ाइनिंग में बहुत प्यारे प्यारे से फ्रॉक हैं, आप कोशिश कीजिएगा इनको ख़ुद भी कुछ फ्रॉकों को स्टिच करने की, जिन्हें शौक़ है और जिन्हें सिलाई का बहुत अच्छा काम आता है और वो अपने सब जो अपने लोगों की यानी कि जो घर वाले होते हैं अपने होते हैं और उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके प्यारे प्यारे ड्रेस स्टिच करना पसंद करते हैं ताकि उनकी तारीफ़ हो, उनके काम का बहुत ज़्यादा सब लोगों को पता चले कि वाकई वो अच्छा काम करने वाले भी हैं। आज की डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग मिलेगी आपको, चाहे आप इनमें फुल स्लीव्स लगाएं, हाफ स्लीव्स लगाएं या स्लीवलेस भी बना सकती हैं। कुछ लोगों को स्लीवलेस ड्रेसेस पसंद नहीं और कुछ लोगों को फुल स्लीव्स नहीं पसंद, गर्मियों में ख़ास तौर पे। इसलिए हर तरह का ही ड्रेस मैं दिखाना पसंद करती हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बेबी के ड्रेस को कैसा तैयार करना चाहती हैं, करवाना चाहती हैं या बाई करना चाहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट जाते हैं बहुत ज़्यादा थक कर आ जाते हैं, हमारी मर्ज़ी का ड्रेस नहीं मिलता, फिर हम सोचते हैं क्यों ना जो हमने आइडियाज़ वीडियो देखी थी उसी से फ़ायदा उठाएं और अपने टेलर से वैसा ड्रेस स्टिच करवा लें। स्टिच करवाना भी महारत होती है कि हम अपनी मर्ज़ी अपनी डिज़ाइनिंग बता कर करवाना, क्यों कभी कभी किसी को समझाना नहीं आता और किसी को एक ही बार में समझा दिया जाता है कि देखें इस तरह से होगा और ये ऐसे कट होगा और इसको ऐसे तैयार कर दें, प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन कभी कभी कुछ टेलर्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जब आप इतना कुछ बता रही हैं तो आप ख़ुद ही स्टिच कर लें, तो वो क्या हंस कर कहती हैं अगर हमें खुद स्टिचिंग आती तो आपको कहते क्या। तो इसी तरह कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं, जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती उन्हें दूसरे लोगों की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं और जिन लोग जो लोग माहिर होते हैं वो बहुत अच्छे से अपनी डिज़ाइनिंग दूसरों के लिए बना देते हैं, तैयार कर देते हैं। लेकिन कभी कभी रश होने की बाइस के उनके पास ईद का रश है और वो इनकार कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ज़्यादा ही उस मगरूर हो गए हैं, इतना ज़्यादा काम देखकर आप पैसे कुछ ज़्यादा ले लें, प्लीज़ हमारा काम कर दें। लेकिन उनकी ज़्यादा मसरूफियत को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और पैसे बढ़ाने की कहा जाता है और कपड़े कहा जाता है कि प्लीज़ हमारे स्टिच कर दें। हर इंसान को मसरूफियत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पर रमज़ान में ज़्यादातर लोग इस बाबरकत महीने में रोज़े रखना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला सब की दिली तमन्नाएं हाजात कबूल और मंजूर करे। इस महीने में बहुत दुआएं कबूल होती हैं और प्लीज़ उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जिनके यहाँ औलाद नहीं है। औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला किसी को भी महरूम